सिलसिले में नेहरू युवा केंद्र की ओर से राजकीय महिला डिग्री कॉलेज अनंतनाग में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में एक्साइज टैक्सेशन अधिकारी दक्षिण कश्मीर हामिद गनाई, नेहरू युवा केंद्र के उप प्रमुख मोहम्मद खलील मीर, डीडीसी अनंतनाग सदस्य निसार अहमद सहित अन्य संबंधित लोग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं को याद किया गया। युजन चूंकि स्वामी विवेकानंद जी सुन युजन यूथ दे इंडिया लेवल ऑल इंडिया लेवल पेट मनाने युन छु युता जन एक्साइज डिपार्टमेंट सवाल छु चूंकि सैनिस यूथ सिन खतर छी मैसेज चूंकि तो छु पता कि एज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी छ एक्साइज डिपार्टमेंट फोर फ्रंटस पेट विंकन फील्डस मस काम कर चूंकि मुख्तलिफ पहलुन पेट छ काम चलन यथ मज यजन इलीगल कल्टिवेशन छ सच डिस्ट्रॉय युन करने। ये जो नेशनल यूथ वीक चल रहा है इसमें हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जो ये यहाँ पे यूथ है इनकी सिर्फ दो प्रॉब्लम्स है जो कि बेरोजगारी है और यहाँ पे ज़्यादातर ड्रग एब्यूज़ कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि बस इतना ही चाहिए कि हमारे यूथ को थोड़ा सा रोजगार मिले जिनसे ये ड्रग एब्यूज़ से भी दूर रहें। आज सचिवालय में सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी। ये बैठक सीएम सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में होगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, साथ ही और भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। हालांकि सुक्खू कैबिनेट पहली ही बैठक में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल नहीं हो पाएंगे। विक्रमादित्य को जयपुर में एक शादी समारोह में शिरकत करना है और बैठक में शामिल नहीं होने की सूचना विक्रमादित्य सिंह ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को दे दी है। दीजिए आपको और बता देंगे 13 तारीख को हम पहली कैबिनेट करेंगे। ओपीएस आपने वायदा भी किया है? नहीं, हमने कहा है उसको हम पहली कैबिनेट में हमने ओपीएस लागू करने की बात की है। जो आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर ओपीएस को पहली कैबिनेट में हम लागू करेंगे। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ राजीव शुक्ला से मुलाकात की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो विभाग उन्हें सौंपा गया है और जो जिम्मेदारी उन्हें मुख्यमंत्री ने दिया है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे पूरा करेंगे। हिमाचल कैबिनेट के मंत्री विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पीडब्ल्यूडी स्पोर्ट्स और युवा सेवा मंत्रालय से आपको नवाजा गया है, बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि युवा काफ़ी उम्मीद की नज़रों से आपको देख रहे हैं कि विक्रमादित्य एक युवा नेता है, हमारे लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। नहीं, निश्चित तौर से करेंगे, पूरी मजबूती के साथ करेंगे। जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने दी है उसको पूरी श्रद्धा के साथ निभाएंगे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस डिपार्टमेंट और इसमें जितने ऑनगोइंग वर्क्स है, चाहे सड़कों का निर्माण हो रहा है, चाहे कई भवनों का निर्माण हो रहा है, ऑनगोइंग अलग अलग हेड्स के माध्यम से हो रहा है, पीएमजेएसवाई के माध्यम से हो रहा है, नबार्ड के माध्यम से हो रहा है, उसको हम रिव्यू करेंगे, एक्सपेडाइट करने की कोशिश करेंगे और खास करके जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जनजातीय क्षेत्र है, वहां पे जल्द से जल्द कार्य शुरू हो जो लंबित पड़े हुए हैं उसके लिए प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार से मैं मिलूंगा, जो हमारे रोड सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी जी, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनसे भी हम बजट के लिए निवेदन करेंगे। और वैसे ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और जिस तरीके से हम उसको नशे से जोड़ के भी देखना चाहते हैं, आज प्रदेश के युवा नशे के कारोबार में बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए स्पोर्टिंग एक्टिविटीज प्रदेश के अंदर बढ़ाने की आवश्यकता है, चाहे वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, आपका कबड्डी है, ये ऐसी गेम्स है। आज आप देखेंगे कबड्डी एक बहुत बड़ा स्तर पे रूरल क्षेत्रों में खेला जा रहा है। राजीव शुक्ला जी से आपने मुलाकात की है, अभी भी 3 मंत्री बचे हुए हैं, ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो आप लोगों की तरफ से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों की टीम बटी हुई है, मगर सब चाह रहे हैं कि हमारे जो विधायक जीते हैं उनको ये मंत्रिमंडल मिला जाए। एक पत्र भी बीते दिन सुर्खियों में था, काफी वायरल था कि मुकेश अग्निहोत्री ने पत्र लिखकर अपने 3 विधायकों को मंत्री बनाने की बात की है, ऐसे में क्या कहेंगे जो आपके साथ के लोग हैं वो भी राह देख रहे हैं? देखिए, हमारे लिए तो सारे बराबर है, सब बराबर है, एक टीम है। और अभी शुक्ला जी ने भी ये बात कही है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमीरपुर जिला से बनाए गए हैं, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र को तवज्जो देने के लिए 3 मंत्री जो है वो जिला शिमला से बनाए गए हैं।
और आने वाले समय में कांगड़ा को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी है, वैसे मिली है, अगर और मिलनी है और चाहे हमारा मंडी संसदीय क्षेत्र है वहां पर भी मिलनी है, तो ये वैसे भी मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी इसको तय करेंगे और पार्टी हाईकमांड इसको तय करेगा कि कौन अगले जो हमारे कैबिनेट में छूटे हैं, मगर मुझे विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व जो है वो सही फैसला लेगा और एक समन्वय और एक तालमेल पूरे प्रदेश के लोगों में और वहां की लीडरशिप में बिठाएगा ताकि हर एरिया को ड्यू रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में मिल सके। कल कैबिनेट की बैठक है, आप नहीं रहेंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे, पहले वादे पूरे करने हैं, कल सबकी नजर रहेगी, ओपीएस को लेकर बड़ा फरमान आपकी सरकार जारी करने वाली है। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, लगातार उन्होंने वित्त मंत्रालय के जो हमारे अधिकारी है, आला अधिकारी है, उनके साथ बैठक करी है, कैसे इसको पूरा करना है इसके ऊपर बात करी है, तो हमें विश्वास है कि पहला चुनावी वादा है वो पूरा होगा और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से हर चीज को हम पूरा करेंगे और हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे विक्रमादित्य सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर, साफ तौर पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि पहली कैबिनेट में हम हिमाचल की जनता द्वारा किए गए तमाम वादों को पूरा करेंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। सुक्खू सरकार में मंत्रियों को विभाग आवंटित कर